हेलो दोस्तों, मैं हूं विनीत शर्मा। आज आया एक नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ। आज है संडे और मौसम है बहुत सुहाना। नई दिल्ली राजपथ, मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन है और इस साइड में इंडिया गेट है। तो तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है और मेरा आज का टास्क ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे 10 मिनट में पहुँच जाऊँ पैदल वॉकिंग करते हुए। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरे साथ में मेरी वाइफ है। हेलो। काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग जो हैं संडे का मज़ा ले रहे हैं, मौसम का मज़ा ले रहे हैं संडे का। आप यहाँ पे आ सकते हैं, शनिवार को इतवार को कभी भी आप आ सकते हैं यहाँ पे और फैमिली के साथ आप आ सकते हैं। यहाँ पे पीछे आइसक्रीम वाले खड़े होते हैं। इस रोड पे जो है इंडिया गेट तक इस तरीके से काफ़ी हॉकर्स हैं और लोग जो हैं पार्क में ही बैठे हुए हैं, साइकिल चला रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ 26 जनवरी को परेड निकलती है। लोग साइकिलिंग भी कर रहे हैं, हम देख सकते हैं। लोग फैमिली के साथ पार्क में आए हैं, घर से अपना खाना बना के लाते हैं और यहाँ पे खाते हैं। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है तो आप देख सकते हो। साइकिलिंग करते हुए हम 10 मिनट में तो पहुंच ही जाएंगे ना लगता है। ये दिल्ली की नाइट लाइफ है, लोग रिलैक्स करते हुए हैं। पूरा 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में जो है आइसक्रीम वाले लोग साइकिल चला रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं बच्चे। मोटर बाइक भी है। बैठना नहीं, यहाँ पे नहीं है ना। अब हम आ गए दूसरे रेड लाइट पे, उसके बाद एक रेड लाइट और है, फिर उसके बाद इंडिया गेट है। तो चलिए करते हैं पार। क्या रुकेंगे थोड़ी ना, हमें रुकना पड़ेगा ना। लाइट नहीं जल रही है यहाँ तो है? या लाइट नहीं जल रही वैसे? हाँ वैसे जो था दिल्ली वालों के यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा था। हाँ दिल्ली वाले ज़्यादा पोल्यूशन था एंड दिल्ली पोल्यूशन है। नीचे से फिर अंदर बिठाऊंगा, तुम ही अंदर चलो ना हमारे संग। तकरीबन 7 मिनट हो गए हमें चलते हुए।
बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, आउटिंग प्लस नाइट में कुछ अलग ही मजा है। यहाँ पे ज़्यादातर फैमिलीज आई हुई हैं, हर पर्सन ने जो है मास्क लगा रखा है, अकेले चल रहे हैं उन्होंने तो नहीं खैर लगा रखा है। लोग तफरी भी मार रहे हैं, तफरी चल रही है लोगों की ना। ये इस साइड में जो है पार्क में बैठे हैं, बस थोड़ी सी दूर हो रहे हैं, चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप जो है ना फोटो भी बनवा सकते हो, खिंचवा भी सकते हो, बढ़िया वाली फोटो खींचते हैं। यहाँ मोमोज दे रहे हैं गर्मा गर्म, सही है। तो पीछे के ज़्यादा तो जो पीछे क्राउड था वहाँ तो कुछ भी क्राउड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड है क्योंकि हम बिल्कुल पास, अच्छा एक रेड लाइट और है, बिल्कुल इंडिया के पास आ चुके हैं और लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बैठे हैं पार्क में, हर कोई जो है संडे का एंजॉयमेंट करने आया है यहाँ पे। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं आप भी घर बैठे ना रहिए, आप भी उठें, आप भी अपनी फैमिली के साथ आएँ, और अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में तो आप इंडिया आ सकते हैं, अगर दिल्ली के बाहर हैं तो कोई भी पार्क है जहाँ पे गैदरिंग होती है आप वहाँ पे जाएं, इससे क्या स्ट्रेस कम होगा दिमाग का जो इतने दिनों से ख़राब रहा है, वो चीज़ ख़त्म होगी। इसलिए जो है घर पे ना बैठें, बाहर निकले उससे थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा, जो इतने महीने हम घर में बैठे हैं उससे हमारे दिमाग में जो है ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है। साइकिलिंग करिए, बाहर निकलिए, घूमिए, पार्क में जाइए, सुबह शाम को जाइए, जब भी आपको टाइम मिले तब जाइए। तो यहाँ पे और भी जगह क्राउड हो चुका है आप देख सकते हैं, इसके लिए ये पुराने ज़माने का सिनेमा है, इसमें से आप कई लोग जानते भी होंगे, इसके अंदर जो है फ़ोटो डाल के सिनेमा दिखाई जाती है। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा क्राउड है। ये लाइट जो है ग्रीन हो चुकी है, मेरे सामने जो है इंडिया गेट, इस समय मेरे पीछे इंडिया गेट है और तकरीबन 15 मिनट में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, लेकिन अंदर जा नहीं सकते हैं, यहाँ पे जो है बंद कर रखा है अभी। हाँ मेरे पीछे देख सकते हैं बिल्कुल खाली है और मेरे पीछे जो है बिल्कुल क्राउड है।
अब हम चलते हैं पार्क में, कुछ देर बैठ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं जो हम घर से लेके आए थे। अब कुछ लग रही है थोड़ी सी भूख, छोटी मोटी भूख, छोटी मोटी भूख जिसे हम कहते हैं, और कुछ खा लेते हैं। ये हमारे हेल्दी पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न सही है। आज का जो मौसम है ना वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे आके 2 घंटे कब निकल गए पता नहीं लगा। रात की जो है आउटिंग भी हो गई, और 5-6 किलोमीटर चलना भी हो गया, तो और सबसे बड़ी बात दिमाग जो है वो फ्रेश हो गया जो घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे। वैसे उस साइड भीड़ ज़्यादा थी ना, हाँ। हम बैठे हैं बिल्कुल राष्ट्रपति भवन, राजपथ के बिल्कुल सामने। यहीं से 26 जनवरी जो परेड जो है वो स्टार्ट होती है, वो यहीं से होती है, तो हम वहाँ बैठे हैं। अभी हम इंडिया गेट की तरफ गए थे, इंडिया गेट का जो सर्कल है ना वो बंद कर रखा है। वो कहते हैं कि भाई एक तो कोरोना की वजह से कि भाई आसपास लोग और भीड़ इकट्ठी ना करें, और दूसरा कहता है 26 जनवरी आने वाली है तो उसके लिए। तो हम वहीं से जो है ओके वापस आ गए हैं। एक साइड का हमें 2.5 किलोमीटर पड़ा है ऐसे घूम के, तो 2.5 से 2.5, मतलब 6 के आसपास पड़ा, 3 और 3, टोटल 6 किलोमीटर पड़ गया। तो घूमने का घूमना हो गया और पैदल चल लिए। पर 10 मिनट में कवर नहीं हुआ। हाँ 10 मिनट में नहीं हुआ, हमें 15-16 मिनट लग गए मैक्सिमम बता रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो अच्छा था, चलना हो गया। जो हमारा चैलेंज था ना 10 मिनट का वो पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम करेंगे तोड़ लगा के, रनिंग करके या साइकिल पे, तो 10 मिनट में कर देंगे। फुटवेयर प्रॉब्लम थी। हाँ अभी मैं खा के आपको दिखाता हूँ आसपास का नज़ारा। काफ़ी फैमिलीज कपल्स यहाँ बैठे हुए हैं, बच्चे भी हैं। बच्चों को जो है उस साइड पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, मतलब कुल मिला के जो है बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का। आप भी यहाँ पे आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। और जैसे जैसे ठंड नज़दीक आ रही है ना वैसे वैसे घूमने का मज़ा अलग है रात का, नहीं तो गर्मी में जो है एकदम पता ही है गर्मी में कितना बुरा हाल होता है। लेकिन आज का जो मौसम है वो अच्छा है, ठंडा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे सामने जो है राष्ट्रपति भवन, राजपथ, कितनी अच्छी रंग बिरंगी जो है लाइटिंग हो रखी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम इस तरीके से सीढ़ियों पे बैठे हैं, उस साइड पार्किंग है, सामने की साइड में जो है इंडिया गेट है, और उस साइड में जो है 24 घंटे न्यूज़ चैनल वाले बैठे रहते हैं। वो गाड़ियाँ भी दिख रही हैं, पत्रकार भी उस साइड में हैं, आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी है आज तक न्यूज़ चैनल की है। और उसके पीछे जो है यहाँ पे 365 दिन 24 घंटे पत्रकार बैठे रहते हैं। और उस साइड में जो है संसद भवन है हमारी, तो आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत बहुत ही अच्छा हमारा ये ट्रिप था रात का, बहुत अच्छा निपटा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं।
और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।